प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। मजबूरी नहीं था खाते ना पै रहा तो उन्हें टेलीफोन सुन रही है बड़ा एक अपने दोस्त नु कर रहा है। हाँ जनाब ए सब को ता चलेगा ही। अच्छा ओके बाय बाय। थोड़ी जी और बदमाशी ले आज निकाल दे जी। आज जनाब तंदूरी नान तंदूरी मुर्गा आ तंदूरी चिकन है मतलब के तंदूरी चूचे। हाँ जनाब ए सब को ता चलेगा ही। अच्छा ओके बाय बाय। तू आवाज देनी है सरदार जी तोड़ा कम हो जाएगा। थोड़ी बदमाशी टाइप लगे तोड़े रस्ते दा कंडा कट देता जाएगा। कम औखा है फीस दा ख्याल रखना। और मैंने शुरू से ही बचपन से ही ये महसूस किया कि जिस समाज में हम रह रहे हैं वो इज्जत वाले लोगों के रहने का समाज नहीं है। इसमें सोशल इनजस्टिस बहुत है। जो सामाजिक अन्याय के लिए लोगों को ये बताना कि जिस जिंदगी को आप जी रहे हैं ये अच्छी ज़िंदगी नहीं है और इसको बदलना चाहिए। और इसके लिए मैं समझता हूँ कि खुद मैंने बचपन से ही मार्क्सिज्म के नज़दीक में आया कुछ साहित्य के ज़रिए। कुछ हमारे सरदार गुरबख्श सिंह प्रीतलड़ी एक मैगजीन चलाते थे वो जो बहुत अच्छी साइंटिफिक बात करते थे तो उन बातों से मैं काफ़ी प्रभावित रहा हूँ। और फिर मैंने इंजीनियरिंग केमिकल इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर बाखड़ा प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया। उस वक़्त मैंने नाटक को अपनाया। मैंने महसूस किया कि आज की साइंस में और आज की दुनिया में जब हम डैम बना के पानी का रुख को बदला सकते हैं और पानी को यूटिलाइज कर सकते हैं तो हम ज़िंदगी का रुख क्यों नहीं बदल सकते अगर एफर्ट करें। तो इस सब के पीछे एक फ़लसफ़ा है और वो फ़लसफ़ा मैं समझता हूँ कि एक तो मैं जिस घराने में पैदा हुआ हमारे गुरु नानक का भी बहुत मेरे पे उनका असर है कि वो भी सोशल जस्टिस के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया और हमारे जो 10 गुरु हैं उन्होंने भी सोशल जस्टिस के लिए बहुत जिसको कहते हैं जदोजहद और बहुत जंग भी करनी पड़ी उनको 10th गुरु को। तो मैं ये समझता हूँ कि इन सब चीज़ों के लिए हमें संघर्ष की ज़रूरत है। संघर्ष करने के लिए लोगों को साथ लेना ज़रूरी है और लोगों को साथ लेने के लिए नाटक एक ऐसा जरिया हो सकता है या फॉर्म हो सकती है। सो मैंने नाटक को अपनाया। पॉलिटिक्स के बिना ये समाज बदला नहीं जा सकता ये मेरी बड़ी कन्विक्शन है। इसीलिए अगर मैं समाज के बारे में और समाज को बदलने के बारे में और समाज को सुधारने के बारे में नाटक करता हूँ तो वो ज़रूर सियासी नाटक होगा पॉलिटिकल नाटक होगा। मैं ड्रामा का स्टूडेंट नहीं रहा मैं बेसिकली साइंस का स्टूडेंट हूँ। मैंने केमिकल टेक्नोलॉजी में सीमेंट टेक्नोलॉजी में अपनी पढ़ाई की। इसलिए जो थिएटर की थ्योरी वगैरह जो है हम यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं कॉलेजों में पढ़ते हैं उस किस्म की मेरी कोई ट्रेनिंग नहीं है। मेरी तो कन्विक्शन के साथ और ज़िंदगी का जो मैंने सारा स्टडी किया उस स्टडी को अपने साहित्य के शौक़ के साथ मैंने अपने नाटक फॉर्म भी डेवलप किए हैं। यानी मैं अब इस यकीन से कह सकता हूँ
कि मैंने कुछ फॉर्म्स ऐसी डेवलप की हैं जो रूरल थिएटर की फॉर्म्स बन गई हैं। अब अगर मुझे कोई पूछे कि आप कौन कैसा नाटक करते हैं, तो मैं कहता हूं कि मैं रूरल थिएटर ऑफ मॉडर्न सेंसिबिलिटी करता हूं। कोई भी अच्छे नाटक के लिए स्क्रिप्ट बहुत ज़रूरी है, और स्क्रिप्ट अच्छी वही हो सकती है जो ज़िंदगी के बहुत नज़दीक हो। अब मैं पंजाब का नाटक करता हूँ, पंजाबी ज़बान में करता हूँ, इसलिए मैं पंजाब की जो ज़िंदगी है उसको बहुत बारीकी से देखकर और उसकी स्क्रिप्ट तैयार करता हूँ। और उसके बाद जो निर्देशना करनी है या वो मैं हमेशा देखता हूँ कि मैं किन लोगों को संबोधन होना है, मेरे पास क्या साधन है, क्या सहूलतें हैं, उसके मुताबिक मैं अपने नाटक को लिखता भी हूँ और नाटक को डिज़ाइन करता हूँ और अपने एक्टरों के ज़रिए उनको पेश करता हूँ। तैनू अजे नाल काम है? ओ काम ता नहीं सी, मैं सोचा वे दर्शन परशन ही कराइए। हाँ। दर्शन परशन? हाँ। भाई मैं समझिया नहीं। ओ सोहनी चीज है, तू ते जानता ही है असि सोहनिया चीजा दे किन्ने शौकीन आ। आहो ए ता तुहाडा खानदानी पेशा है। ओ की कहा चौकीदार? कुछ नहीं क्या कहना की सी। ओ देखो ओ आ गए ने भैन जी भी। आ आती है की गल है चाचा? बड़े चिरा तो मेनू एक ऐसे शिकार दी पाल सी जो मेरी सालां दी तड़प नू मुका सके, ते ओ शिकार तू है। ओ तू सानू पामे समझ शिकार ते पामे समझ शिकारी, असी ते हां तेरे हुस्न दे पुजारी, एक वारी तेनू रजा देंगा। ते मैं भी रजना ही चाहती हाँ सरदारा, हुण वध अगे हुण पिछे पहरदा है, हुण वध अगे। कुड़ी सोहनी होवे, सुनखी होवे, आकड़ के खड़ी होवे, ते इलाके दा खब्बी खां सरदार ओदे पैरां ते डिगया होवे, भाई हुण किहो जिहा नजारा लगदा पाला सिया। भज के जाएगा किथे, तेरी छड्डी नहीं अज मैं। इसको हम कम्युनिटी थिएटर भी कहते हैं, और ऐसा थिएटर जिसमें हम सीधा जाके आवाम के साथ बात करते हैं, जो लोग गांव में रह रहे हैं, जो लोग गरीब बस्तियों में रह रहे हैं, उनको हमने जो देश में पॉलिटिकल स्थिति चल रही है उसके बारे में कमेंट करना है, और एक कहानी बना के एक थिएटर के जरिए ये सारा काम करना है। तो हम इस थिएटर को जब कम्युनिटी थिएटर कहते हैं तो इसकी फॉर्म जो है वो नुक्कड़ नाटक भी हो सकती है, इसकी फॉर्म जो है प्लेटफॉर्म थिएटर भी हो सकती है। इसका लिखती सबूत हुण मैनू मिल गया, हुण मैं चुप करके नहीं बैठांगी, ते एक पल भी इस घर विच नहीं ठहरांगी। ना किथे जाण दी गल कर रही है? मैं इस घर तो जा रही हां। ना मैं तैनू कह के गया सी वे मेरे कहे तो बगैर तू घरों पैर बाहर ही रखना। हां सोचा तो मैं भी सी के नहीं जावांगी, पर हुण तां ना हुण तां की दविंदर, मेरे वाला कंडा तू इन्नी आसानी नाल नहीं कट सकदा। ए तो मैं जानती सी कि तू धोखेबाज है, तैनू अपनी कुर्सी प्यारी है, तो उस कुर्सी नू बचाउण लई तू कुछ भी दांते लगा सकदा है, इत्थों तक कि अपनी पत्नी नू भी। पर मैं कदे नहीं सी सोचा कि तू कातल भी हो सकदा है, ते कतल भी उस बीवी दा जिसने हर मुश्किल विच तेरा साथ दिता। ए की तू उठपटांग कह रही है? ए मैं उठपटांग नहीं कह रही, सगो सब कुछ कह रही हूं जिसका लिखती सबूत मैनू मिल गया है। केड़ा लिखती सबूत? ओ कागज जो आज गलती ना तेरी डायरी विचो इत्थे डिग पिया सी। किथे लभ रहे दविंदर सिंह? ओ कागज तो मैं हुण पुलिस दे हवाले करांगी। मिस्टर दविंदर सिंह हुण तो तेरी खेड खत्म हो चुकी है। ए खेड खत्म नहीं हो सकती, पुलिस नूं पता है मैं कौन हां, मेरे उत्ते तक दे संपर्क ने, पुलिस कोलों मैं हो जाए बी केस खोटबोट कराए ने, सगों तू है समझ के तेरी खैर खत्म हो चुकी है, पुलिस मेरा की बिगाड़ सकती है। हाँ
पुलिस तो तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, पर मैं तेरी पत्नी तेरा बहुत कुछ बिगाड़ सकती है देविंदर। ओ मैं देख लेगा, हट पीछे। तू देखेगा, देखेगा ते मैं तेनू, मैं तेनू कह थी ना कि अपनी हरकत तो बाज आ जा, नहीं तो लोग तेनू दोनों पकड़ के थले सुटनगे। दिन आ गया ऐसी नाटक ते मेरे लोगों, मेरे लिए नाटक नहीं, मैनू उस दिन दी उड़ीक है जदो मेरे लोग जागनगे। पंजाब के जो हालात रहे, जिसको हम कहते हैं 1981 से लेकर राइट 1993 तक जो 12 साल हालात रहे, उसके बारे में मैंने अपने नाटक भी लिखे। और उन सब नाटकों में एक बात मैंने, एक तो मैंने हर एक इवेंट को रिएक्ट किया है, और मेरी सोच ये है कि पंजाब जो है वो पंजाब के लोगों के रहने के लिए है, इसमें कोई मज़हब की बात नहीं है। पंजाब के लोग हिंदू भी हैं, सिख भी हैं और दलित भी हैं, पंजाब किसी एक कम्युनिटी का नहीं है। ये मैंने उन 1981 से इस बात को कहना शुरू किया अपने नाटकों में, और मेरा बहुत फेमस नाटक है एक कुर्सी मोर्चा और हवा में लटकते लोग, जिसमें मैंने ये साबित करने के किया कि इधर जो मोर्चा लगा हुआ है भिंडरावाला का, और दूसरे पास सरकार है और लोग हवा में लटक रहे हैं। मेरी ये कन्विक्शन है कि पंजाब के जो दोनों लोग थे उन्होंने पंजाब के जस्टिस नहीं किया, एक तरफ वो मोर्चे वाले थे, एक तरफ सरकार वाले थे, और इसीलिए ट्रेजिडी पे ट्रेजिडी चलती गई है। अगर आज हम कह सकें तो कोई 40,000 के करीब लोगों की जान गई है, और उसमें भी मैंने देखा कि प्रेजुडिस्ट बहुत हैं। यानी 1984 के पहले 484 हिंदूज मारे गए थे, यानी भिंडरांवाला के इन्फ्लुएंस के। तो उसके बाद ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ। मैंने महसूस किया कि अगर आज पंजाब में आप बात करें हिंदू पॉपुलेशन से, तो वो 1981 और 84 का पीरियड लेंगे जब भिंडरांवाले के फॉलोअर्स की तरफ से ज़्यादती हुई, और जब सिखों को पूछें तो वो 84 के बाद की बात करेंगे जब पंजाब की पुलिस ने, दूसरे ने, वो सिख कम्युनिटी पे भी बहुत ज़्यादती हुई। मैं एक बैलेंस्ड एटीट्यूड के साथ नाटक करता रहा हूं, इसीलिए इस सारे पीरियड में मैं चुप नहीं रहा। मैंने जब सब कुछ चुप था, कोई बात नहीं करता था, मगर मैं जाके गांव-गांव में नाटक करता था। पर्दा खुलन ते पिटभूमि तो आवाज आंदी है। ये नाटक उस वेले दा है जदों पंजा पानियां दी धरती नूं, जो कि हुण तिन्ना पानियां दी धरती रह गई सी, अग लगी हुई थी। इस नाटक ते पात्र हन कुर्सी वाला, मंजी वाला ते हवा विच लटक रहे कुछ लोग। मैं बर्बाद हो गई वे, मेरी नू दुनिया छाड़ गई वे, हुण मेरे पुत नू बेड टी कौन पे आएगा। जो कंटेम्प्रेरी सिचुएशन है उस पर नाटक करना है। तो बहुत बार हम ये कहते हैं कि हम थीम को चुन लेते हैं और उसके पांच एक्टर्स हम बैठते हैं, कार में जाना होता है हमने जहाँ भी, तो इतना टाइम नहीं होता उनके बैठ के कहीं रिहर्सल कर लें। वो हम थीम को लेकर, तो अपने आप
ड्रामा को डेवलप करते हैं और उस ड्रामा की जो रिहर्सल है बाय पार्ट्स वो हम कार में ही करते हैं और जिन एक परफॉर्मेंस की उसमें अगर कोई गलती रह गई है तो नेक्स्ट परफॉर्मेंस पे उसको ठीक कर लेते हैं और इस तरीके से जो नाटक की स्क्रिप्ट भी है और जो पार्ट भी है वो कंटिन्यूसली बदलती भी है और डेवलप भी करती है। बुआ खोल, और मैं क्या बुआ खोल? लो, फिर आ गया पी के। इस टूट पड़े ते नित दे हो चले ने। अरे बुआ क्यों नहीं खोल दी? और छती बुआ खोल। और खोल दिया, क्यों मोहल्ला सेट तक चुकी आए? मैं जिदे नाल गल्ला कर दी पाई सी। किथे लकोया अपने उस लगदे नू? क्यों बकवास करता है? बकवास? बकवास मैं करना या तू? हुणे तन्नू सबक सिखाना मैं। पीन शराबा ठेके जाके कई रात घर आंदे। पीन शराबा ठेके जाके कई रात घर आंदे। समाज ने तरक्की करनी है तो औरतों की तरक्की जरूरी है। इसके बारे असं पेश कर रहे हैं नाटक समाज 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 समाज। असी कले कले हाँ पर जदों मिल जाते हाँ तां असी समाज बनाते हाँ। इस समाज विच जो कुछ चंगा है वो साडी प्राप्ति है ते इस समाज विच जो कुछ गलत है उसकी साडी जिम्मेवारी है। ते गलत इत्थे बहुत कुछ है, खास करके जिसका संबंध औरता नाल है। ए मर्द प्रधान समाज है, ए औरत गुलाम समाज है। बच्चे नु जन्म औरत दिंदी है, जमन पीड़ा औरत सहदी है, पर बच्चे दा नाम वे गवांडियो वे दूरों पे की वेखदे हो, मेरे कोल आओ मेरा दुख वंडाओ, मैनू रोंदी ना चुप कराओ। आओ एदे कोल जाइए एदा दुख मंडाइए, एनू रोंदी नू चुप कराइए। मेरे पिछले कुछ सालों के एक्सपीरियंस से ये बात बिल्कुल, अब मैं बिल्कुल क्लियर हूँ इस बारे में कि जो प्रोसीनियम थिएटर है या प्रोफेशनल थिएटर है वहाँ लोग नहीं आ रहे। हो सकता है थिएटर करने वालों की कमी है या वो अच्छा काम नहीं कर रहे या लोगों में इंटरेस्ट नहीं है थिएटर का या पॉपुलर जो मीडिया पैरेलल मीडिया है उसकी तरफ ज़्यादा क्रेज़ हो गया है या एक प्रॉब्लम ये भी है कि शायद लोगों के पास टाइम ही नहीं है आज। तो फिर ऐसे में प्रॉब्लम ये क्रिएट होती है कि और हम लोग ये सोचते हैं कि अगर लोग नहीं आते तो क्या हम लोग चुप होकर अपने कमरे में बैठ जाएं, अपने मैसेजेस उन तक ना लेके जाएं? लेकिन गुरशरण जी ने ये बीड़ा उठाया और हमारी टीम ने कि अगर लोग नहीं आते तो हम लोगों के पास जाएंगे। नौजवान सभाएं, गाँव की जो ग्राम पंचायतें हैं या और ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, किसान सभा हैं, ये सब हमें बुलाती हैं, वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशंस बुलाती हैं और जो आने जाने का खर्चा है और कलाकारों की पॉकेट मनी या जेब खर्च ये ज़रूर वो दे सकते हैं। हम सस्ते से सस्ता काम करना चाहते हैं ताकि फाइनेंसेस ज़्यादा ना लगें और हम अपने काम को जारी रख सकें। और पिछले 40 सालों से गुरुशरण जी बिना रुके ट्रैवल किया था, पैदल जाते थे, पहाड़ियों में चढ़ते थे, बैटरियां कंधों पर लेकर लोगों तक पहुंचते थे और आज इस पोजीशन में है कि उनके अंदर 16-17 टीम्स जो हैं काम कर रही हैं बड़े एक्टिवली। हम लोग ऐसे ही जाते हैं, गाड़ी में 5 बंदे होते हैं और 5 लोग ही जाते हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि गुरुशरण जी के 5 एक्टर आ गए हैं तो बस अब नाटक हो जाएगा। जैसे ब्रेक्ट बात करता है कि अपने एक्टर्स को ज़्यादा एम्फेसिस करता है, अपने आइडियाज़ को, अपने थॉट्स को ज़्यादा एम्फेसिस करता है, बिल्कुल गुरुशरण जी भी सिमिलरली ऐसे ही काम करते हैं। जैसे ही आए हैं गाड़ी से उतरे और वहाँ पर स्टेज बिल्कुल तैयार है, जाकर नाटक शुरू कर दो। जैसे भी आप हैं, कोई मतलब कॉस्ट्यूम नहीं, कोई कुछ नहीं, वो अपने आप को बिल्कुल टाइम का बहुत वो ख्याल रखते हैं कि जैसे एक एक मिनट जो है उनके लिए कीमती है। वहाँ जाते हैं, वहाँ जाकर अगर उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है कि वहाँ पर ऑडियंस जो है वो उनका इंतज़ार कर रही है, तो वो ये भी नहीं देखते कि हाँ हमें मतलब आए हैं इतनी दूर से तो कुछ चाहिए खाने के लिए या कुछ पी लें, नहीं, जाकर थिएटर शुरू करो उसके बाद देखेंगे। और मेन जो एम्फेसिस होगा स्क्रिप्ट में वो होगा थॉट पर,
आइडियोलॉजी पर। मैं समझता हूँ कि सदियों से हिंदुस्तान में एक समाज चल रहा है और उस समाज में बदली को लाने के लिए काफ़ी अभी समय लगेगा। मैंने तो अपना एक छोटा सा रोल प्ले किया, जिसको कहते हैं छोटी सी भूमिका निभाई है, मगर मेरा ये यकीन है कि मैंने जो काम किया है उस काम का असर है। अब पंजाब में देख लें कि जो पीपल थिएटर मूवमेंट है उसको बहुत बढ़ावा मिला, और मैं ये भी समझता हूँ कि मैंने जो कन्विक्शन से काम किया। कई बार कहते हैं कि कोई तकलीफ़ उठाई, मैंने तकलीफ़ इसको तकलीफ़ नहीं समझता। मैं ये समझता हूँ कि जो काम मैंने करना चाहा मैंने एक सैद्धांतिक तरीके से, एक प्लान तरीके से किया।